तो दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी एक नए हॉरर कहानी में। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है, यानी कि काला जादू, जिसको हमारे इंडियन कल्चर में अब लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग गए। लोगों को इसको प्रैक्टिस करने का एक ही इंटेंशन होता है कि सामने वाले की लाइफ को ख़राब करके रख देना, उसको बर्बाद करके रख देना, जो वो करना चाहता है उसे वो करने नहीं देना। बस लोगों का यही इंटेंशन है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, और लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है दोस्तों, क्योंकि बिना हिम्मत के आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप पर हावी हो जाती है, मतलब इसका बैकफायर भी हो सकता है आप पर। अगर सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका इस्तेमाल करने से आप पर भी बैकफायर हो सकता है, और लोगों पर होता भी है बैकफायर, लेकिन काफ़ी बार ये बैकफायर नहीं हो पाता है, सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक ऐसी ही स्टोरी मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। तो क्या है ये स्टोरी, आइए बात करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बस आप लोग एक काम करिए, आज मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए और इस वीडियो के नीचे 20 कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप ये करते हो दोस्तों तो मैं आप लोगों के सामने एक चैलेंज लेके आऊँगा, और वो चैलेंज ये है दोस्तों कि 7 डेज 7 न्यू हॉरर स्टोरीज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, ये चैलेंज मैं करूँगा। इसी के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा दीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट ज़रूर से करना। चलिए आज के इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2021 में, और दोस्तों 2021 में रोहन नाम का लड़का उत्तर प्रदेश में रहा करता था। दोस्तों ये कहानी शेयर की है हमें आकाश ने, और आकाश ये रोहन के दोस्त है और वो भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। और आकाश रोहन के साथ में 2021 में सेम स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। अब ये 2021 नवंबर महीने की बात है जब रोहन अपने फैमिली के साथ में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से रह रहा था, बहुत अच्छे से वो रहा करता था, सब अच्छे से चल रहा था उनकी फैमिली में। अब उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए दोस्तों तो उनकी एक जॉइंट फैमिली थी, अब इसे जॉइंट फैमिली भी कह सकते हो या बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे कि रोहन के फैमिली में रोहन के मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन और रोहन, और उसी घर में उसके चाचा चाची और उनका एक बेटा, ये लोग रहा करते थे, और ये लोग सभी लोग उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। काफ़ी समय से ये लोग साथ में रह रहे थे। दोस्तों रोहन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ। रोहन ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से कर लेता है, और उसमें भी वो नंबर वन है, और दोस्तों पढ़ाई में भी वो नंबर वन है, और अपने स्कूल का टॉपर है दोस्तों, अपने ट्यूशन का भी टॉपर है, और साथ ही साथ में वो बिजनेस को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है अपने पापा, और घर में अपनी मम्मी का हाथ भी बटा लिया करता है अपने कामों में। तो ये जो चीज़ें हैं ये रोहन में कूट कूट कर भरी है, यानी कि टैलेंट रोहन में और काम करने का जुनून कूट कूट कर भरा हुआ है, और वो इन चीज़ों में माहिर होने के वजह से ही बहुत सारे लोग उससे जलते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रोहन ये सारी चीज़ें कैसे कर लेता है, तो दोस्तों रोहन इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग उससे जलते हैं, लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमेशा अपने काम में मग्न रहता है और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। तो दोस्तों 2021 में, ये नवंबर महीने की बात है, जब रोहन की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। अब किस वजह से ख़राब हो जाती है ये तो खुद रोहन को भी पता नहीं था, लेकिन अचानक से ख़राब हो जाती है, और इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो 2 से लेकर 3 दिन बीमार रहता है। अब उसके पापा मम्मी ये सोचते हैं कि हो सकता है कि रोहन ने कुछ ऐसा खा लिया होगा जिसके वजह से वो बीमार पड़ गया होगा। तो रोहन को जब पूछा जाता है कि उसने क्या खाया था, तो रोहन कहता है कि हाँ मैंने खाया तो था, मैं उस दिन जब ट्यूशन से वापस आ रहा था तो मैंने गोलगप्पे खा लिए थे बाहर। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि उसी की वजह से तुझे बुखार आ गया होगा। तो रोहन कहता है कि हाँ हो सकता है कि मुझे बुखार आ गया होगा, लेकिन मुझे कभी ऐसा बुखार आया नहीं है,
और रोहन के मम्मी पापा भी जानते थे कि रोहन को ऐसा बुखार कभी नहीं रहा करता था। उसका बुखार एक दो दिन में ठीक हो जाया करता था, लेकिन अब ये 3 से ज़्यादा दिन हो रहा था। और चौथे दिन भी जब सवेरे रोहन के बुखार को देखा गया तो रोहन का बुखार उतना ही ना, उसमें कुछ सुधार आया था दोस्तों, वो बुखार उसका और बढ़ते जा रहा था। तो रोहन के पापा ने सोचा कि अब ये टाइम है कि उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, क्योंकि अगर अब ऐसा ही चलता रहा तो रोहन और बीमार हो जाएगा और जो चीज़ें हैं वो हद से ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं दोस्तों, और हॉस्पिटल लेके जाके उसे 2 दिन एडमिट रखते हैं वहाँ पर। तो डॉक्टर की रिपोर्ट आती है 2 दिन के बाद में, और ये देखा जाता है कि सारे टेस्ट करने के बाद में भी सारी जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है और रोहन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रोहन सब चीज़ों में नॉर्मल है, बस ये जो बुखार है ना, इसकी जड़ समझ में नहीं आ रही है कि रोहन को ये बुखार आ क्यों रहा है, इतना ज़्यादा उसका शरीर क्यों तप रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा था। ये डॉक्टर तक को नहीं समझ में आ रहा था। तो डॉक्टर ये उसकी फैमिली को बताते हैं तो उसकी फैमिली शॉक्ड रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, और रोहन को बुखार फिर किस वजह से आ रहा है। तो अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम कुछ मेडिसिन से लिख के देते हैं, आप वो उसे देते रहिए, मेरा अनुमान ये कहता है कि 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के कहने पर उसके मम्मी पापा उसे गोलियां देते रहते, मेडिसिन देते रहते और 2 से 3 दिन वेट करते। लेकिन 2 से 3 दिन वेट करने के बाद में भी ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे उल्टियाँ होने लग जाती है और उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं। और रोहन ये तक के भी कहता है कि उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि उसके सामने कोई खड़ा हो और उससे बातें कर रहा हो, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उससे बातें कर रहा है। कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके हाथ और पैर बहुत ज़ोर से पकड़ के, इतना ज़ोर से पकड़ के कि वो उठ ही नहीं पा रहा है, वो हल भी नहीं पा रहा है। और कभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर पूरी तरीके से मुड़ गए हैं और कोई उसका मुंह दबा रहा है, इस तरीके से भी उसे लगता है। और कभी उसका सर इतने ज़ोर से दुखता है कि ऐसा लगता है कि उसका सर ही फट जाएगा। ये सारी चीज़ें वो अपने मम्मी पापा से शेयर करता है और अपने चाचा चाची से भी, मतलब सभी लोग वहाँ पे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, जिसके वजह से हो सकता है कि उसे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है या उसे भ्रम हो रहा होगा, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी हालत भी डाउन हो रही थी। वो खा भी नहीं रहा था कुछ भी पी नहीं रहा था और उल्टियाँ ही कर रहा था। तो उस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन होगी दोस्तों, ये आप समझ सकते हो कि खेलने कूदने वाला बच्चा, पढ़ाई करने वाला बच्चा, इतना होशियार बच्चा इस तरीके से बीमार हो गया, तो आप उसकी कंडीशन को समझ ही रहोगे। तो अब उसके फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि कब तक इसे ऐसा रखा जाएगा, इसे कोई ना कोई डॉक्टर के पास में दिखाना ही पड़ेगा। और अब कोई छोटे मोटे डॉक्टर के पास में नहीं दिखाना है, अब इसे बहुत बड़े डॉक्टर के पास में दिखाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहाँ पर उसे दिखाया गया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे उसे दिखाया गया इसे कि ये सारी चीज़ें चल रही है और ये काफ़ी दिनों से बीमार है, 10-15 दिनों से, लेकिन इसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। लेकिन जब इसे कोई दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया गया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो अब ये जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, ये एक्सपर्ट्स रहते हैं अपने फील्ड में, तो ये एक बारी चेक करते हैं और सारे टेस्ट करते हैं। तो 2 दिन तक इसके सारे टेस्ट होते ही रहते और 2 दिन ये लगातार हॉस्पिटल में आना जाना करते और रोहन को लेके जाते। और जब 3रे दिन रिपोर्ट आती है तो दोस्तों ये लोग शॉक्ड रह जाते हैं और इवन डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाते कि इसके रिपोर्ट में एक सिंगल वर्ड नहीं था कि इसे ये चीज़ हुई है जिसके वजह से ये बीमार है। दोस्तों हाँ, आप लोग भी अभी शॉक्ड हो गए होंगे और मैं खुद भी शॉक्ड था जब आकाश ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि उसके रिपोर्ट में एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके वजह से वो बीमार होगा। सारी चीज़ें नॉर्मल थी, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन उसका बुखार अभी भी था, वो उतर ही नहीं रहा था, उसकी बॉडी अभी भी वैसी की वैसी गर्म थी और ना तो वो कुछ खा रहा था और बीच बीच में यही कह रहा था कि मेरे साथ में कोई खड़ा है और मेरे साथ में कोई बात कर रहा है, यही चीज़। तो अब उसे वहाँ से लेके जाया जाता है और घर में उसे वहीं पर रखा जाता है और 2 दिन गुजर जाते हैं।
लेकिन तीसरे दिन उसके मम्मी एक अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व करती है। उसकी मम्मी उसके लिए पानी लेके अंदर जा रही थी ताकि वो मेडिसिन ले सके, तो उसकी मम्मी ने विंडो से देखा कि रोहन किसी के साथ में बात कर रहा है और उसके साइड में एक अजीब सी चीज़ खड़ी है, और उसकी मम्मी को क्लियरली दिखाई दिया कि एक परछाई खड़ी है, एक काला सा साया उसके साथ में खड़ा है और उसके पैर को पकड़ के, लिटरली उसके मम्मी ने देखा कि उसके पैर को पकड़ के और वो उठ ही नहीं पा रहा है और उसका मुंह दबा देता है जिससे वो बोल भी नहीं पाता है। तो जब उसकी मम्मी ये देखती है तब उसकी मम्मी को क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये मामला कोई बीमारी का नहीं है, ये मामला तो कोई और ही है और इसे कोई और ही परेशान कर रहा है। तो जब उसके पापा को ये सारी चीज़ें बताई जाती है तो उसके पापा कहते हैं कि अब इसे किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाना है, हमें इसे कोई तांत्रिक किसी अगोरी के पास में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये मामला कुछ अलग ही है। तो दोस्तों इसे ले जाते हैं एक अगोरी के पास में लेके जाते हैं जो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। तो अब उनके पास में जैसे ही उसे लेके जाते हैं तो रोहन आता ही नहीं अंदर, रोहन बाहर ही खड़ा रहता है और उसके अंदर एक अजीब सा कोई इंसान रहता है जो शायद रोहन नहीं था, और जो रोहन इतने दिनों से इतना ज़्यादा कमज़ोर था वो रोहन जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो अजीब सी शक्ति उसमें आ जाती है कि कोई उसे अंदर ले ही नहीं जा पा रहा था, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसे कोई अंदर ही नहीं ले जा पा रहा था। उसे कितना ज़्यादा खींचा गया, उसके चाचा उसके पापा इतना ज़्यादा खींच रहे थे उसे, लेकिन वो अंदर ही नहीं जा रहा था, उसे अंदर ही नहीं ले जाया जा रहा था। तो अब जैसे तैसे करके उसे अंदर लेके जाते हैं, लेकिन वो लोग ही अंदर जाते हैं, उसके चाचा चाची जो रहते हैं और उनका जो बेटा रहता है वो चला जाता है बाहर। तो उसके पापा कहते हैं कि आप लोग क्यों बाहर जा रहे हो, तो उसके चाचा चाची कहते हैं कि हमें थोड़ा काम है, हम लोग आते हैं, हमें बेटे के कपड़े लेने हैं कुछ और कुछ बाहर का भी कुछ काम है, तो हम लोग आते हैं, आप लोग देख लीजिए, फिर बाकी जो भी चीज़ें रहेगी वो हमें बता देना। वो लोग अंदर भी नहीं आते, तो जैसे तैसे करके उसके पापा मम्मी रोहन को अंदर लेके चले जाते और अगोरी के पास में बैठा देते। अगोरी कुछ मंत्र बोलता है जिसके वजह से रोहन जो है वो अजीब सी आंखें अगोरी को दिखाता है और अगोरी समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है और ये किस वजह से हो रहा है। अजीब सी हरकतें करने लग जाता है रोहन, अजीब सी उसमें शक्ति आ जाती है और जो बुखार उसके ऊपर था ना वो भी अचानक से गायब हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जो रोहन इतने दिनों से हमारे साथ में था वो रोहन ये है ही नहीं, ये कोई अजीब ही है। तो अगोरी जो है वो कुछ देर के लिए उसे शांत कर देते और वो कुछ देर के लिए वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके मम्मी पापा को सच्चाई बताते हैं। उसके मम्मी पापा को वो ये बताते हैं कि आपके साथ में आपके घर में कौन कौन रहता है, सबसे पहले तो ये सवाल किया जाता है अगोरी की तरफ से। तो उसके पापा बताते हैं कि मेरा भाई रहता है, मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ है और उसका एक बेटा है, ये लोग हमारे साथ में रहते हैं। तो अगोरी कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं कि वो कितने साल से रह रहे हैं, क्या उनका नेचर है, तो सब कुछ वो बताते हैं कि ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है। तो अगोरी बताते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने जादू बना दिया है या फिर किसी ने इसके ऊपर काला जादू कर रखा है, और ये काला जादू एक डॉल के माध्यम से किया गया है जिसको आप वुडो डॉल कहते हो, मतलब आप, मैं लगा दूंगा पिक्चर, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसी डॉल होती है और ये एक ऐसा जादू टोना या काला जादू होता है जो सुइयों को चुबो चुबो कर उस डॉल में किया जाता है, और ये कुछ ऐसा जादू होता है दोस्तों, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आपको पता होगा कि ये जादू इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इतना ज़्यादा प्रबल जादू होता है ये कि अगर एक बार आप पर हो जाए ना तो ये नहीं रुकता, फिर ये आपकी जान लेकर ही रहता है और आपके अंदर एक अजीब सी चीज़ आ जाती है, आपके साथ में एक अजीब सी चीज़ रहती है जो आपको फील होती है दोस्तों, और इसके वजह से किसी आदमी की जान तक के जा सकती है क्योंकि ये डॉल से किया हुआ जादू अलग ही तरीके का होता है। अब ये जो वुडो डॉल है ये उनके घर में थी, ये अगोरी ने बताया, और कहाँ पर थी ये भी बताया। तो दोस्तों जब
ये बाबा बता रहे थे कि आपके घर में एक गुड़िया रखी है, एक ऐसी गुड़िया जिसमें सुइया चुभी हुई है, और ये मंत्र जो पड़े हुए हैं ना रोहन के सामने, वो सारे मंत्र जो है वो ब्लैक मैजिक को दूर करने के मंत्र है, जिसके वजह से आप खुद देख सकते हो कि रोहन किस तरीके से वहाँ पे पड़ा हुआ है। इस पर वो सारे मंत्रों का असर हो गया है, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि ये मंत्रों का आप पर असर नहीं हुआ, उस पर असर हो गया, मतलब काला जादू उसके ऊपर किया गया है। और आप जल्दी से जल्दी अपने घर में जाइए और देखिए, तलाश करिए कि वो वुडो डॉल कहाँ पर रखी गई है। हो सकता है कि रोहन के बैग में रखी गई हो, या रोहन के कपड़ों में रखी गई हो, रोहन की कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी पर्सनल हो उसके अंदर वो रखी गई हो। जल्दी से जल्दी उस डॉल को निकाल के मेरे पास में ले आइए, वरना ये जादू और बढ़ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अब वो लोग घर पे जाते हैं और हर तरफ ढूंढते हैं तो पता चलता है कि रोहन की एक पर्सनल बैग है, जिसमें रोहन अपने सारे कपड़े रखा करता था, जो वो जब क्रिकेट खेलने जाया करता था तब वो लेके जाता था। उसके अंदर वो डॉल पाई गई, जिसमें सुई वगैरह थी जो उसके अंदर चुबाई गई थी, बहुत सारी सुई थी और उसके ऊपर मतलब ऐसा सिंदूर वगैरह डाला था, और अजीब सी वो डॉल खतरनाक दिख रही थी। तो जैसे तैसे करके उस डॉल को अघोरी के पास में लेके जाया जाता है, और उस डॉल को जैसे लेके जाते हैं तो वो अघोरी कुछ उसके ऊपर करते हैं और कुछ मंत्र वर्त बोलते हैं, और कुछ दिन तक वो जाते रहते उस बाबा के पास में, 2-3 दिन वहाँ पे जाते रहते हैं, और धीरे धीरे कर रोहन के ऊपर जो काला जादू था वो धीरे धीरे कर समाप्त हो जाता है। और उसका मतलब काला जादू इतना ज़्यादा प्रबल था दोस्तों कि वो निकल ही नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे कर तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर बहुत सारे तांत्रिक को बुला कर वो बाबा जैसे तैसे कर उसके शरीर से वो जो निगेटिव एनर्जी उसको खींच के उस डॉल में वापस डाल देते हैं, और मंत्र वगैरह बोलकर उस डॉल को जला देते हैं उसके अंदर ही। उसके मम्मी पापा को एक चीज़ बताई जाती है, जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो चीज़ उन्हें ये बताई जाती है दोस्तों कि उस पर काला जादू करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा चाची ही हैं। और काला जादू करने का रीज़न ये है दोस्तों कि उसकी कामयाबी से ये लोग काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। वो जलते रोहन से इसलिए है कि वो इतना ज़्यादा होशियार कैसे है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे है, कैसे वो हर काम में फर्स्ट आ जाता है, कैसे हमारा बेटा पीछे रह जाता है, हमेशा उसकी तारीफ़ होती है, क्यों इसकी तारीफ़ नहीं होती है, इसी चीज़ से वो लोग जलते हैं। और यही जलने के वजह से उन्होंने आपके बेटे के ऊपर काला जादू कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें बताई जाती है तो उसके पापा मम्मी भी ये डिसाइड करते हैं कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो लोग वहाँ से निकल के रोहन को कहीं और स्कूल में एडमिशन करके कहीं और चले जाते हैं, और दोस्तों वहाँ रहने लग जाते हैं। और वो लोग एक शब्द भी नहीं कहते उसके चाचा चाची को, क्योंकि ये उसके पापा मम्मी ने नहीं सोचा था कि उसके चाचा चाची उसके ऊपर ये काला जादू कर सकते, और वो इसीलिए उसके अंदर नहीं आए थे, अघोरी के जो झोपड़ी थी उसके अंदर नहीं आए थे। और वे तभी उसके पापा समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि जो रोहन के साथ में हुआ वो आपके साथ में ना हो। रोहन तो बच गया। देखो अक्सर ये पाया जाता है कि ये जो वुडो डॉल से किया हुआ जादू है ना, इससे कोई नहीं बच पाता, लेकिन इसका जादू धीरे धीरे कम हुआ दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसका जादू तुरंत ही कम हो गया, नहीं, इसके जादू को धीरे धीरे कम किया गया। बहुत दिन लगे, बहुत सारे हवन किए गए, बहुत सारे मंत्र पढ़े गए, तब जाके ये नेगेटिव एनर्जी कहीं निकली थी। वरना अगर रोहन उनके कब्ज़े में रहता ना, उस बुरी शक्ति के कब्ज़े में जब तक था तब तक रोहन रोहन नहीं था, और रोहन का जो शरीर है वो धीरे धीरे अपनी जान छोड़ रहा था। लेकिन अघोरी ने जैसे जैसे करके मंत्र पढ़ के और कुछ पंडित बुलवा के, सिद्ध पंडित को बुला के धीरे धीरे करके मंत्र पढ़ के भगवान को उसके मम्मी पापा प्रे करके जैसे तैसे करके उसकी जान छूट जाती है, वरना उसकी जान तो जानी ही थी, ये तो पक्का ही था। लेकिन वो जैसे तैसे भगवान की दया से वो बच जाते। तो दोस्तों मैं आपसे हमेशा ये चीज़ें कहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ में रह रहे हो, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके भाई बहन हो, आपके चाचा चाची, आपके मामा मम्मी, जो भी लोग हो आपके आसपास पे, आपके दोस्त क्यों ना हो, ठीक है ना,
उनसे बच के रहिए, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए और 20 कमेंट्स कंप्लीट करिए। 7 days 7 horror story का चैलेंज लेके आऊँगा और जल्दी पूरा करूँगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जानकार रहिए, सतर्क रहिए।